ड्रग्स का एंगल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कंगना रनौत ने इंडस्ट्री के ड्रग माफियाज को एक्सपोज किया है, ड्रग रैकेट्स को लेकर कई बातें कही हैं। लेकिन यहाँ पर रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल का नाम क्यों सामने आ रहा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि ड्रग्स को लेकर पूरे इंडस्ट्री पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हर कोई घबराया हुआ है, हर कोई इस वक्त डरा हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि कंगना रनौत ने खुलेआम ओपन चैलेंज किया है, जी हाँ, विकी कौशल, अयान मुखर्जी, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, इन सभी को मेंशन करते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि ये लोग आइडल्स हैं इस वक्त यूथ के, ये लोग यूथ इन्हें प्रेज करती है, यूथ इन्हें बहुत अप्रिशिएट करती है, इन्हें एक रॉकस्टार की तरह, एक आइडल की तरह देखती है, यू नो, पूजती है लिटरली। सो व्हाई डोंट दे कम क्लीन, अगर ये लोग ड्रग्स नहीं करते हैं तो इनका भी डोप टेस्ट होना चाहिए। इन सभी को कहिए कि ये लोग ड्रग टेस्ट कराएं। मैं चैलेंज करती हूँ इन सभी एक्टर्स को। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर ये लोग सच में क्लीन है तो ये क्लीन निकल कर आ जाएंगे, इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये क्लीन नहीं है तो फिर ऑडियंस को सोचने की जरूरत है कि क्यों ये ऐसे लोगों को अपना आइडल मानकर बैठे हैं। सो यहाँ पर अब तलवार जो है वो एक तरीके से सिर्फ सुशांत केस में नहीं बल्कि आप देख लीजिए पूरी इंडस्ट्री ही क्वेश्चनेबल हो चुकी है इस वक्त कि आप ड्रग्स करते हैं, आप गांजा और जो भी चीज़ें होती है ड्रग्स की, तो यहाँ पर बहुत ही एक सॉलिड जो चीज़ है वो नज़र आ रही है, एक सॉलिड सेटबैक हो चुका है। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है, उन्होंने एक तरीके से ओपन चैलेंज किया इन सभी को नाम लेकर। तो कंगना ने कहा कि अगर आप लोग सब क्लीन हैं तो आप ड्रग टेस्ट कराइए, आप लोग सब साफ सुथरे निकलेंगे, तो फिर ऑडियंस का बनता भी है आपको सर पर चढ़ाना और यू नो पूजना आपको लिटरली। बट अगर आप सभी क्लीन नहीं निकले तो फिर सवाल आप लोगों पर खड़े होते हैं कि कैसे आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप देश के जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टोरी को पोर्ट्रे करते हैं जबकि आप खुद ड्रग्स लेते हैं, खुद इल्लीगल काम करते हैं। सो इस तरह से कंगना रनौत ने तो अपनी बातें कह दी हैं। आपको क्या कहना है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।